गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो मॉर्निंग का वीडियो एज यूजल आई एम इन द किचन, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे, रात को थोड़ा लेट सोए थे। जल्दी एक्चुअली मैडी के कारण उठना ही पड़ता है जल्दी, क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग शोर मचाना शुरू हो जाता है, तो फटाफट से उठना पड़ता है। तो नहाना धोना हो गया है, बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास, और मनन देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास। ये आपने देखा बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास, और 3-4 दिन से मनन जी की फरमाइश थी कि मुझे पैन केक खाना है, तो टाइम नहीं था। मैंने उसको बोला, मैंने टाल रही थी, मनन शाम को बना दूंगी, सुबह बना दूंगी, शाम यही चल रहा था। तो अभी आज फिर हो गया है कि नहीं, आज तो मुझे खाना ही खाना है। तो बस अभी नाश्ते में दाल वाला जो आटा गूंदा है मैंने, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, दाल वाला आटा गूंद के रखा हुआ है ये देखिए मैंने। और दूसरी तरफ मेरे चल रही है पैनकेक की तैयारी, बैटर मैंने कर लिया है तैयार इसका, ये देखिए। अब ये मैंने तवा रखा है नॉनस्टिक, और ये मैंने चॉकलेट सिरप बनाया ऊपर डालने के लिए, देखिए। तो मैं एक बना के दिखाती हूँ आपको कि मैं पैनकेक कैसे बनाया। ये तवा गरम है, इसमें मैंने एक कड़छी भर के पूरा फुल ऐसे ऐसे लिया है, और मैंने इसमें तवे पे डाला है ऐसे। बस इसको फैलाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। अभी ये थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ढाँक भी सकते हैं। मैंने जैसे अभी तो तवा तेज़ गर्म है, लेकिन मैंने पहले उसको ढाँका भी था ऐसे। इसे ढाँक दीजिए, कोई कवर हो, कोई ढक्कन हो, ऐसे ढाँक दीजिए। तो अगर 2 मिनट बाद आप देखेंगे तो ऊपर से भी अच्छे से कुक हो जाएगा और नीचे से भी हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम, ये देखिए। अब इसको वन साइड हम जब दूसरी साइड पलटेंगे तो ये देखिए पका हुआ है, ये देखिए, ये हमारा बन गया है पैनकेक। और इस पे हम चॉकलेट सिरप डालेंगे। जैसे कि एक मैं बता दूं, एक मैंने ये बनाया है और दूसरा मैं इसके ऊपर डालूंगी, और उसके ऊपर डालूंगी चॉकलेट सिरप। ये देखिए फूल गया ये अच्छे से, यानी कि दूसरे साइड भी ये पक गया है। तो ये देखिए ये पक गया है दूसरी साइड भी, और इसको हम फिर से इसी साइड, ओहो आ जा। तो ये डाला हमने दूसरी साइड, अब हम इस पर डालेंगे चॉकलेट सिरप। ये देखिए ये ढेर सारा चॉकलेट सिरप, डिजाइन के लिए एक आइसक्रीम कोन का पीस भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये बन गया हमारा पैनकेक, यमी यमी। चलो लेके जाओ भागो। तो देखिए फटाफट से बन गया पैनकेक जल्दी जल्दी। तो अभी और नाश्ता भी बाकी है, तो फटाफट से बस नाश्ता निपटाते हैं, फिर चलते हैं और अलग चीजों पे। तो मिलते हैं फिर दिन के पूरे रूटीन में क्या क्या होता है। तो गाइस अभी हो गई है शाम, और हमने ले ली है शाम की चाय, पी ली है। बच्चे गए हैं नीचे साइकिल चलाने, थोड़ा सा घूमने। शाम को उनको ये रहता है कि शाम हो गई है, बस साइकिल चलानी है, घूमना है। तो अभी वो गए हुए हैं, तो हम लोग बस बैठे हुए थे, और डिनर की तैयारी आधी हो चुकी है, आधी करनी है। तो एक्चुअली सुबह से लेकर मतलब रात तक इतना काम हो जाता है कि रेस्ट नहीं हो पाता, तो बहुत थकावट हो जाती है। इस टाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी नैप ले लेनी चाहिए, लेकिन शाम हो जाती है तो शाम को सोना सही नहीं रहता, इसलिए यही होता है कि फटाफट से काम में काम ख़त्म करो और रात को जल्दी सोने का करो, लेकिन वो नहीं हो पाता पॉसिबल। तो बस अभी मनन जी आए हैं मैडी को घुमा के, दिखाती हूँ मैं आपको। मैडी
मनन जी आए हैं मैडी को घुमाते। मैडी 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 अपना सिंकुल बनाने में लगा हुआ है। मैडी मैडी को इतनी गर्मी लगती है, मैडी को पानी दो पीने को। वो देखो वो पहले अपना वो करता है पानी। ये पानी अपना पहले गेर के ऐसे मजा आ रहा है। मैडी जी पहले अपना स्विमिंग पूल बना लेते हैं और उसको इतनी गर्मी लगती है, मतलब पानी गिरेगा पैर से, पूरा अपना पानी पीने वाला फर्श पर बिखेर लेता है, फिर आराम से लेट जाता है। मतलब दिन में जितनी बार वो उसको गर्मी लगती है वो ऐसे ही करेगा और ख़ुद पूरा गीला हो जाता है। और मैं तो इनको बोल रही हूँ वेग जी को कि इसको दे देते हैं, मेरी टुटते हैं बोली बड़ी है। रखने का नहीं हो पा रहा है इसको मैडी को, तो देखते हैं कैसा रहेगा, इसको रखते हैं नहीं रखते हैं। क्यूट सा भी लगता है जब इसकी हरकतें होती हैं, लेकिन फिर जब काम का टाइम होता है तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इस चक्कर में आ गया ये मैडू पूरा गीला हुआ पड़ा। मैडी मैंने ऐसे ऐसे लिया ना, ऐसे लिया दे, छोड़ दे उसको, मैंने छोड़ दे जरा, कैसे हाँफ रहा है मैडू, इसको कितना भगाते हो मनन तुम। मैडी और ये मतलब एक दो बार बाहर गया है तो इसको अब ये रहता है कि बस बाहर चलो। मनन को मनन पीछे देखो अपने बेटा, मनन जरा सा इसको कहीं दिख जाए तो उसको लगता है कि नहीं मनन बाहर चले मुझे लेके, बस बाहर चलो मुझे लेके, मेरे को नहीं रहना घर पर। तो बस चाहे इसको पॉटी आए चाहे ना आए, बस इसको बाहर घूमना है, घूम के आएगा थक हार के। अभी देखो बड़े आराम से डिनर की तैयारी हो रही है, तो अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, ये देखिए जैसे कि बन रही है अभी। और साथ में बनाया है मैंने सांभर, दिखाती हूँ मैं आप। ये देखिए साथ में बन चुका है सांभर जो कि मम्मी का फेवरेट है। परसों मैंने सांभर बनाया था तो मम्मी बोल रहे थे एक बार और बनाना, मुझे बहुत पसंद है तेरे हाथ का सांभर, तो मैंने बनाया है सांभर सिंपल। बस मैं इसमें कुछ ज़्यादा सब्जियां नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चों को इसमें वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, कभी कभार घिया डाल देती हूँ, लेकिन आज वो भी नहीं डाला है मैंने, सिर्फ आलू प्याज और टमाटर ही डाला है और बस यही डाल है। तो ये बन गया है हमारा सांभर। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ट्रस्ट मी ये बहुत स्वादिष्ट बनता है, मम्मी को तो बहुत पसंद है और मेरे हाथ का स्पेशली, क्योंकि बाहर भी खाया उन्होंने कई बार, तो उनको कहते हैं कि नहीं तेरे हाथ का बहुत अच्छा बनता है सांभर। तो अभी बन रही है भिंडी की सब्ज़ी। और हाँ एक चीज़ और, मम्मी यहाँ पर आए थे तो अपने साथ इतनी सारी वेजिटेबल्स ले आए, तो मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा मम्मी इतनी सारी सब्जियों भी उठा लाए, ये कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे, मतलब रोज़ एक एक बनाएंगे तो शायद ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए अब आज जो मम्मी मतलब भिंडी भी मम्मी लेके आए थे, तो आज बन रही है भिंडी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये देखिए बैंगन लेके आए थे तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे तो इनको मैं भून के रख रही हूँ, ऐसे मैं दिखा रही हूँ अभी। ये देखिए बैंगन को मैंने, एक बैंगन को मैंने वो देखिए भून लिया है, दूसरा भून रहा है, तो इसको मैं अभी भून के ठंडा होने पर ऐसे ही रख लूँगी फ्रिज में, और जब बनाना होगा इसको साफ़, इस चाहो तो आप इसको साफ़ करके भी रख सकते हैं, मैं देखती हूँ टाइम होगा तो साफ़ भी करके रख लूँगी। तो मैं ये ऐसे ही बैंगन को भून के रख लूँगी। मम्मी ने काट के रख दिए हैं करेले, तो ऐसे करेलों को मैंने मतलब अभी इसको धोया नहीं है क्योंकि अगर ये पानी वाले होंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, एज इट इज़ को मम्मी ने अभी ऐसे काट दिया है, तो मैं इसको ऐसे ही डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। तो इतनी सब्जी हो गई, करेले भिंडी बैंगन, और जैसे कि मैं दिखाती हूँ मम्मी लेके आए थे ये देखिए अरबी गोभी, और एक घिया फ्रिज में पड़ा है,
तो हमने डिसाइड किया कि दोपहर में कल हम बॉईल करके बना लेंगे अरबी को, क्योंकि ये फिर बन जाएगी। और रात को हम बना लेंगे करेले की सब्जी जो कटे हुए हैं, वो भी नेक्स्ट डे बन जाएगी। चलिए, हो रही है किचन में डिनर की तैयारी। अब डिनर होगा, उसके बाद वीडियो। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है और बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि पापा के कि आइसक्रीम खाने जाना है, आइसक्रीम खाने जाना है। तो हम अब सब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तो बस ये देखिए, पापा जी ड्राइव कर रहे हैं, पीछे बैठा है मैडी। मनन दिख ही नहीं रहा बेचारा हमारा, रुको रुको, सो सैड। अब दिख गया, ओह हमारा तरबूज दिख गया, लाल टी शर्ट में। तो आइसक्रीम छोटा तरबूज नहीं है, खाने जा रहे हैं अब। तो बस अब आएंगे तो अब सो जाएंगे। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय।